जिशान भाई ये ले आस अरे फोन है मेरा अरे फोन क्या करे बास्केट करे नहीं खेले आप क्यों बास्केटबॉल नहीं आती क्रिकेट खेलता था पहले लेकिन वो भी दो तीन साल से रही छोड़ो यार दिखाओ हातिम हातिम कब से तुम्हारा मोबाइल बज रहा है टेबल पे ये लो थैंक यू भाभी आप लोग जूस पियेंगे जिशान आप नहीं नहीं थैंक यू अरे हिचकिचाए मत इस घर के बेटे ना सही इकलौते दामाद तो है ना वैसे भी अब ये घर आप ही के तो है भाभी जिशान भाई चाय पीते हैं ये जूस वूस नहीं पीते चाय मंगा लेना जी अस्सलाम वालेकुम जी सर मैं आता हूँ मुझे ऑफिस जाना है थोड़ा काम से गाड़ी चाबी दूंगे हैं हाँ है ना सब ठीक है सर हाँ हाँ ऑल गुड बस कुछ काम था शायद देखो हो जाए सही है थैंक यू एंजॉय प्लीज बैठो बैठो मिसेस निशान जहेज में जो आपको गाड़ी मिली थी नई वाली आप उसमें क्यों नहीं आए इस्तेमाल करें हाँ नहीं नई गाड़ी तो आपकी हुई ना चलाएं नहीं मेरी नहीं वो रिदा की खैर एक ही बात है काफी अरसे से उस गाड़ी को चला रहा हूँ ना भाई जैसी भी है आदत है उसकी तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है उस गाड़ी में रहकर सिर्फ इसलिए अरे भाई अच्छी तो लगती होगी आपको गाड़ी लेकिन नई वाली गाड़ी इस्तेमाल तो करें और फिर देखें ना हमारे खानदान का कुछ स्टेटस भी है लोग क्या कहेंगे कि दामाद इतनी पुरानी गाड़ी में आता है जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात आप क्या कहना चाह रही हैं नई गाड़ी का अपना ही मजा होता है चलाएं रोडों पे भगाएं बड़ा मजा आता है फील ही अलग है उसकी जिशान भाई मैं नहीं दौड़ाता नहीं मैं गाड़ी आस्था चलाता इकलौते दामाद हैं आप इस घर के अगले साल बहाने में नई मॉडल की गाड़ी मिल जाएगी नहीं चलें आपके लिए मैं अपने हाथों से चाय बना कर लाती हूँ नहीं चाय भी नहीं भाभी के हाथ की चाय है पीनी तो पड़ेगी जिशान साहब थैंक यू आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खैरियत से शादी हो गई और खुशी तो इस बात की है कि तमाम फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया और सबसे बढ़ के तो ये बात हुई है कि हमें एक बहुत अच्छी बहू मिल गई है अल्लाह तुम दोनों को शादोआबाद रखे बेटा आमीन आमीन अच्छा मुझे तुम दोनों ये तो बताओ कि घूमने फिरने कब जा रहे हो वैसे जीशान तुम्हारे तो बहुत मज़े स्विट्ज़रलैंड के टिकट जो मिल गए बेटा तुम थक गई होगी जाओ तुम आराम करो सुबह से इसी तरह बैठी जाओ मेरे बच्चा जी माँ जी आंटी मैं थोड़ी देर में आती हूँ वैसे आपा माशाल्लाह रिदा बहुत अच्छी लड़की है इतने बड़े अमीर घर की बेटी है लेकिन गुरूर तो नाम का ही नहीं है वरना इतने बड़े घरों की लड़कियां तो उनके तो मिजाज ही नहीं मिलते क्यों क्या हुआ नहीं मेरा मतलब है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है क्यों माँ जी नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है तुम लोगों के पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं लेकिन इतना कुछ तो नहीं है ना जितना रिदा के घर वालों के पास एक कमी थी ना हमारे घर में बेटी की कमी अल्लाह का शुक्र है आज वो भी पूरी हो गई बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों को सदा खुश रखे शान ये देखें कितना खूबसूरत है ना हातिम भाई ने मुझे गिफ्ट किया है रियल डायमंड है एक बात पूछूं आपसे जी पूछिए ये स्विट्जरलैंड की टिकट गाड़ी बैंक बैलेंस तादाद इस सब की जरूरत थी आपको नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए था आपको पता है मैंने तो खुद मना किया था कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने बहुत प्यार बहुत मोहब्बत से ये सारी चीज़ें दी हैं मैं मना नहीं कर सकी उन्हें लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ उन्होंने दिया है हमें भी लौटाना पड़ेगा उन्हें अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप हम क्यों ना वापस देंगे ऐसा कभी नहीं होगा
नहीं, दरअसल आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। आप बेटी हैं उस घर की, बहन हैं उनकी, मैं तो दामाद हूँ ना। मतलब कल को आपके घर में किसी की शादी होगी तो मुझे भी इतना ही सब कुछ वापस करना होगा। और अगर खुदा ना खास्ता मेरे पास इतना सब कुछ ना हुआ तो क्या करूँगा मैं? अरे आप नहीं जानते मेरे भाइयों को, वो बहुत अच्छे हैं। अगर हम उन्हें सारी चीज़ें वापस करेंगे ना तो वो बहुत बुरा मानेंगे, उन्हें बहुत दुख होगा जिशान। और अगर मुझे दुख हुआ तो? अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे कि आपको कभी किसी किस्म का दुख हो। सही। सब आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ही बस। अरे लाए मैं उतार देती हूँ। क्या कर रही हैं आप? क्यों? आपका काम करके मुझे दिल से खुशी होगी। बिल्कुल नहीं, मेरी माँ ने मुझे औरत का मकाम बताया है और मैं औरत के मकाम को अच्छी तरह से जानता हूँ। रिदा बीवी है मेरी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपका मकाम मेरे कदमों में नहीं, मेरे दिल में है। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मैं ये रख के आता हूँ।